जब सफवा ने जमाल इमाम के छठे इमाम के सहाबी इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो व सलाम जब इमाम की खिदमत में तशरीफ लाए और कहा कि वो कौन सा तरीका है कि हम करबला में ना हो और इमाम को सलाम करें और हमारा सलाम पहुंचे और इमाम का जवाब सलाम आए, तो जो तरीका सादिक आले मोहब्बत में तालीम फरमाया उस तरीके को ज़ियारत वारिसा कहा जाता है। और जब तालीम फरमाया इमाम ने तो जिस तरह से नेशापुर के वाक़े में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि सलातो व सलाम जिस तरह से नेशापुर के वाक़े में आप सुनते हैं कि जब इमाम रज़ा ने हदीस तालीम फरमाई तो किस तरह से तालीम फरमाई कि मैंने सुना अपने बाप से, उन्होंने सुना अपने बाप से, उन्होंने सुना अपने बाप से और होते होते सिलसिले इस्मत से रसूल अल्लाह से रिवायत की और रसूल अल्लाह ने लिया जिब्रील से और जिब्रील ने सुना अल्लाह से, तो कलाम इलाही हो गया या नहीं हो गया? जब ज़ियारत वारिसा इमाम ने तालीम फरमाई तो किस तरह से तालीम फरमाई कि मैंने सुना अपने बाबा मोहम्मद बाकर से, उन्होंने सुना अपने वाले ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुना मौला हसन से, मौला हुसैन ने सुना मौला हसन से, मौला हसन ने सुना अली बिन अबी तालिब से, अली बिन अबी तालिब ने सुना रसूल अल्लाह से, रसूल अल्लाह को खबर दी जिब्रील ने और जिब्रील पर अल्लाह ने इस इल्म को नाजिल किया है, यानी वो हदीस जो बराहरास अल्लाह से इमाम तक आती है उसे हदीसे कुदसी कहा जाता है।